हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। हमारे संगठनकर्ता अजय जी के मार्गदर्शन में हमारे 3 सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को मुख्य सदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देहरादून में स्वागत किया गया, हमारे संगठन ने स्वागत किया, भाजपा संगठन ने, तो हमारा दिल बाग बाग है। तो आज हमने भी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते अपने जनपद गृह में उन 3 कार्यकर्ताओं का, सुशील जी का, राणा जी का, प्रजापति जी का स्वागत किया है और उनका उत्साहवर्धन किया है ताकि भविष्य में मैं और ज्यादा संगठन का काम करें। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का स्वागत मुख्य सदन मुख्यमंत्री द्वारा हमारे संगठनकर्ता अजय जी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कोठारी जी द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित। ये जो इन लोगों का जिनका आपने नाम लिया है, इनका जो स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उत्कृष्ट कार्य आईटी सेल के द्वारा, मतलब जानकारी देने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी कितने अच्छे काम कर रही है, उनकी उपलब्धि क्या है, ये सब चीज जो है जनता तक पहुंचाने के इसीलिए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि और कार्यकर्ताओं में भी उत्साहवर्धन हो। देखिए मैं बनाने भी नहीं जानता था, मैं मोबाइल चलाना नहीं जानता था, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा सदस्य बनाइए, मैंने सुशील जी से सीखा, सुशील जी को बुलाया, मेरी पत्नी को, मैं, हमें सबको सिखाया परिवार में, तो फिर हमने सदस्य बनाने शुरू करे। और ये वही देन है कि आज मैं मोबाइल चलाना भी सीख लिया, तो मैंने जो है सम्मानित भी, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैंने बना लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सोशल हमारी जो मीडिया है, इन्हीं की देन है। विधायक जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया आईटी सेल का जो कार्य है वो उत्कृष्ट कार्य भारतीय जनता पार्टी के जनता को पहुंचाना है, तो इसमें एक चीज और सम्मिलित करना चाहूंगा कि जो जन समस्याएं हैं आसपास की, अपने क्षेत्र की, क्या इनका दायित्व ये नहीं बनता कि वो भी जो है अपने प्रतिनिधियों को या अपने विधायकों को या अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। रुड़की में बहुत बड़ी समस्या जो है सोलानी पुल की है, सड़कें इस समय जर्जर हुई पड़ी हैं। अगर देखा जाए, अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे थे एक पत्रकार बंधु मेरे ही, कि आप ही के आवास के सामने जो रेलवे स्टेशन का जो अंडरपास बना है उसकी स्थिति इतनी खतरनाक है कि वहां जा नहीं सकते, रात में, दिन में ही नहीं जा सकते, रात में तो क्या जाएंगे, पानी भरा पड़ा है। इस प्रकार की जो समस्या है, क्या आईटी सेल वाले इनका दायित्व नहीं बनता कि ये भी मुख्यमंत्री जी तक लेवल तक पहुंचाएं? देखिए, ये जो सवाल आपका है ये दिल को छू गया मेरे शर्मा जी। वास्तव में आपने इतना अच्छा सवाल पूछा कि ये हर पत्रकार को पूछना चाहिए। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो समस्या का उसके पास खुद चलकर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे विधायकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत मेंबर है, ग्राम पंचायत मेंबर अगर अपनी गली की चिंता कर ले तो समस्या ना रहे, ग्राम प्रधान अगर अपने गांव की चिंता कर ले तो गांव में समस्या ना रहे, क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र की चिंता कर ले, पंचायत सदस्य होने के नाते क्षेत्र में चिंता ना रहे, जिला पंचायत अपने क्षेत्र, इसी तरह विधायक, MP, सब मंत्री अगर सब अपनी इसकी समस्याओं का, और फिर संगठन के कार्यकर्ताओं को भी जरूरी है कि समस्याओं को सरकार के सामने रखें। जब मैं विधायक था, इतिहास बना, सर्वाधिक सवाल मेरे थे, सर्वाधिक याचिका मेरी थी, विधानसभा में कानून बनाना पड़ा विधानसभा में, और विपक्ष के लोगों को, इंदिरा हरदेश जी थी, बहुत काबिल विधायक रही, मिनिस्टर रही विधानसभा में, विपक्ष की नेता, ये वो सब रही, संसदीय कार्य मंत्री सब रही, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि देश राज की याचिका ज्यादा है, आज लोग पछता रहे हैं। ये जनता का अधिकार है सरकार को समस्या से अवगत कराना। पर आप लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप अपनी सरकार के खिलाफ इतने सवाल पूछते हैं, मैंने तब भी यही कहा था कि सरकार से सवाल पूछने चाहिए, सरकार के सामने सवाल खड़े करने चाहिए, सरकार के सवाल सामने समस्या जानी चाहिए, विरोध में नहीं, रिक्वेस्ट ली जानी चाहिए, ये कि हम अवगत कराना चाहिए, केवल विरोध नहीं करना, केवल विरोध करके आप अपने घर बैठ गए। मेरे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता, मैंने कहा है इनको आज भी कि आप जो क्षेत्र की जनता की समस्या है उसको भी उजागर करिए। सोलानी नदी का आपने बात की, मैंने विधायक जी से बात की, मैं विधायक तो हूं नहीं, बत्रा जी से बात की, मुख्यमंत्री आवास पर बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, मका विधायक जी की फजीयत हो रही है उसमें, क्योंकि जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, विधायक जी मेरी पार्टी के हैं, मेरे संगठन के हैं, मेरे हैं, तो उनकी समस्या नहीं, हमारी सबकी समस्या है, आपकी भी मेरी भी, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। रेलवे की पुल का भी समाधान हो रहा है, वहां भी जल्दी ही समाधान होगा, क्योंकि बड़ा काम है, तो मतलब छोटा काम नहीं है। आपके लोग हैं, इनको प्रायोरिटी पर, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हाँ, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, रामपुर
जो अभी नगर पंचायत की सीट बनी है इसके चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि राणा जी ने भी कहा है कि वो 100% मान रहे टिकट उनको होगा, आपके अनुसार कौन प्रत्याशी रहने वाला है और सीट का क्या होगा? क्योंकि आज तक ये जो रामपुर है ये कलियर विधानसभा में आता है और कलियर विधानसभा के भी भारतीय जनता पार्टी। कहीं मेरी बात एक लिख लीजिए, जिस प्रकार हरिद्वार के अंदर त्रिस्तरीय पंचायतों में हम ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध, ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्विरोध, लेकिन इस बार हम चुनाव में हर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जीतेंगे, पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो काम है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, मंगलोर विधानसभा के चुनाव में देखो हम हमारा कितना नहीं, मंगलोर विधानसभा जीते हैं हम, आपके हारे ही बताओगे, जीते हैं हम, कहां से कहां चले गए? नहीं मैं हारा मुख्य नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, लगभग 50% बढ़ा है, क्योंकि 10,000 वोट मिलने वालों को 21,000 के समथिंग वोट मिले, 32,000 मिली सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना होने के बावजूद भी सीट क्यों नहीं निकाल पाई भारतीय जनता पार्टी? ऐसे ही आप रामपुर की बात करें कि हम निर्विरोध जीत जाए, मतलब जीतेंगे, निर्विरोध जीते हैं अभी तक, उन पर आरोप लगता है उन चीजों पर कि आप निर्विरोध जीत रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्षपात कर रही है इन सब चीजों को लेकर। एक भी एप्लीकेशन नहीं आई, एक भी एप्लीकेशन विपक्ष ने भी नहीं दी कि जबरदस्ती हो रही है, बताओ एक एप्लीकेशन? एक उपाध्यक्ष का चुनाव कनिष्ठ प्रमुख का या उप कनिष्ठ प्रमुख का चुनाव नारसन मेहता ने कहा कराइए, आप कराइए तो फिर हम, ऐसा नहीं है, और कांग्रेस के पदाधिकारी थे, हमने किसी को मना नहीं करी, लेकिन सब ने मुख्यमंत्री जी में आस्था रखी, हमारे संगठन में आस्था रखी, वो जो ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार थे, ज्येष्ठ के, उप के, उन सब में आस्था रखी, इसलिए निर्विरोध चुने। टिकट की संभावना किसको मान रहे हो जाएगा? कहां से? यहां से रामपुर वाला जो, देखिए रामपुर वाला टिकट किसी का हो, राणा जी मेहनत कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, टिकट किसी का हो, कमल के फूल के माध्यम से हमने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है, हम रामपुर नगर पंचायत जीतेंगे, पाड़ली जीतेंगे, सभी रुड़की जिले और हरिद्वार जनपद की सभी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और नगर दोनों मेयर का चुनाव, हम नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। एक अंतिम सवाल और ले लेना चाह रहा हूँ, आपने तो बोल दिया भाई टिकट होगा जो मेहनत कर रहे हैं साथ विधायक, जय भगवान सैनी और मुनीष सैनी वाली स्थिति तो नहीं होगी यहाँ पर, कि मेहनत जय भगवान सिंह सैनी ने की थी और पक्के दावेदार थे, जीत की अगर दौर अगर सर थे, लेकिन लास्ट में जो है टिकट मुनीष सैनी को थमा दिया गया, हजियत भी हुई थी उस समय, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी बहुत सी चीजें, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, देखिए संगठन जो काम करता है, संगठन का जो निर्णय होता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो उसमें राजी हूं जिसमें संगठन की रजा हो, संगठन जिसे भी टिकट देगा हम उसे चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा स्थिति नहीं होने वाली है। संगठन के दिमाग में अगर यह आया कि राणा जी अच्छे हैं तो राणा जी लड़ेंगे, संगठन के दिमाग में यह आया कि कोई सैनी भी टिकट मांग रहे हैं और दूसरे प्रत्याशी भी टिकट मांग रहे हैं, अच्छे हुए तो उन्हें देंगे, लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे। यह है कि आज हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा, महामहिम द्वारा, जो उत्तराखंड के मुखिया है, उन्होंने हमें, हमारे जो हमने लोकसभा में उन्होंने हमें काम सौंपा था सोशल मीडिया का, हम जो काम भली भांति पूर्ण किया है उससे हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें स्वयं अपने कार्यालय बुला गया, अपने निवास बुला गया। तो देखो नारा मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हमें काम सौंपा गया था, देखो हम है सोशल मीडिया वाले, सुनिएगा सुनिएगा, तो वो है सोशल मीडिया वाले, हमें जो काम सौंपा था लगभग 216 के आसपास हमें पोस्ट दी गई थी, जो हमने पोस्ट की है उसमें हम सफल हुए, ठीक है, उसीलिए मैंने उन्होंने समाप्त किया गया। अच्छा प्रियांक लिए नगर पंचायत रामपुर है ये, हाँ हाँ जी जी, ठीक है, नगर पंचायत में बहुत सारी ऐसी खामी है जो पहले हमारे जो माननीय विधायक जी जो है वो नहीं कर पाए, लोग पब्लिक बड़ी परेशान है, ना तो आज तक यहाँ पे कोई सीवर लाइन लगी है, ना कोई पानी की टैंक है, कुछ नहीं आया आज तक यहाँ पे, कुछ सुविधा थी बनी भाई, 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं, उससे पहले भी वो गांव के पहले प्रधान रह चुके हैं, लेकिन आज तक वो जितना विकास उतना हमारे इस रामपुर के अंदर जिला पंचायत यहाँ पे, BDC यहाँ पे, विधायक यहाँ पे, मंत्री यहाँ पे, जो विकास यहाँ पे होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, इसलिए सभी पब्लिक मुझसे अपेक्षा रखती है कि हम जी, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, मैं उनके बारे में कैसे बता दूंगा, जो उन्होंने जो विकास नहीं किया तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, हमें इतना पता है भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कांग्रेस सरकार किसी की भी हो सभी को टारगेट देती है, सभी देती है, लेकिन वो लोग ना कर पाए तो उसमें क्या करा जाएगा फिर? एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप दावेदारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको टिकट मिला जी, तो संभावना कितनी प्रतिशत मानते हैं कि टिकट मिल जाएगा? मुझे
अधिक से अधिक संभावना है कि मुझे पार्टी मुझे कार्य सौंपेगी। जी शत प्रतिशत मान सकते हैं आप बिल्कुल। 100% संभावना होने के बाद अगर आपको भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि बनाती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो कितने प्रतिशत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी? उसका कारण पूछ रहा हूं क्योंकि आज तक दलियर विधानसभा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई है, तो क्या मानते हैं आपकी, क्या वास्तव में आप वहां पर चुनाव जीत जाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मुझे काम सौंपेगी, मैं जनता का सेवक बनके उनके लिए काम करूंगा। जो लोग पहले विधायक जी से या किसी और से यहाँ पर काम नहीं करवा पाए, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, जो मुझसे उम्मीद भी रखते हैं, और मैं करूंगा, इसलिए मेरे को पसंद कर रहे हैं वो। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, हिंदू मुस्लिम सारे के सारे मेरे लिए तैयार बैठे हैं। हमारी तो सभी की शुभकामना है इनके लिए कि जिस प्रकार से ये एक्टिव हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आईटी थ्रू, और पार्टी का कार्य कर रहे हैं, तो और लगातार कलियर क्षेत्र में रामपुर क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, चाहे किसी प्रकार से सेवा कर पाएं, तो आने वाले समय आपको मीडिया के माध्यम से दिखेगा किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर पार्टी, मुझे उम्मीद है पार्टी इनको ही मौका देगी इस बार, तो ये जरूर ही आपको निश्चित ही जीत होगी। एक सवाल और लेना चाहूंगा। जी बताइए। उम्मीद तो सभी लगा के रखते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। जी जय भगवान जी की स्थिति बहुत अच्छी थी, पिछले इलेक्शन में मात्र 1100 वोटों से हारे थे, इस बार इलेक्शन में सभी कह रहे थे कि इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट बदल दिया गया, मुनीश सैनी को टिकट दे दिया गया और स्थिति जस की तस, कलियर विधानसभा फिर बाहर हो गई भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। तो क्या मानते हैं कि वास्तव में ऐसा होगा कि भाई आप सोच रहे हो टिकट मिलेगा, चलिए आप मान भी रहे हैं कि आप जीत का दम भर रहे हैं, तो अंतिम समय पर फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई धनाढ्य आदमी आ जाए? देखिए जो पार्टी का मामला है, पार्टी किसको, देखो पहली बात तो पार्टी का जो निर्णय होता है सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, उसके बाद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे ही इस कार्यभार सौंपेगी। देखिए मैं बताना चाहूँ कि भाजपा के अंदर एक विभाग है आईटी सोशल मीडिया, और पूरे उत्तराखंड में पूरे संगठन की तरफ से 10,000 लोग इसमें काम करते हैं, जिनको दायित्व दिया गया आईटी सोशल मीडिया का, जिनका काम होता है सरकार की जनकल्याण योजनाओं को जनता तक पहुँचाना। तो हमारा सौभाग्य है और माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 10,000 कार्यकर्ताओं में टॉप 100 सौ में सौ विभिन्न माध्यम तय किया, कुछ चयनित किया और उनको बुला के कुछ सम्मानित किया, और उन्होंने ये भी आगे भी उम्मीद की हमसे की है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको हम 10,000 पहुंचाएंगे, और जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको भी। इसके लिए हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि इसमें जो टीम जो आई हुई थी सब समर्थित पूरे जनपद से, पूरे प्रदेश से 100 लोग थे, 10,000 कार्यक्रम से। इसमें कोई उत्कृष्ट कार्य भी बताया गया हो कि आपके द्वारा इस क्षेत्र में या इस समय उत्कृष्ट कार्य किया गया है, कुछ ऐसा हो? उत्कृष्ट कार्य में तो ये तो 24/7 चलने वाली कार्य है हमारे, जब समय से कुछ चलता रहता है तो सब गिनती में आता है। चुनाव को लेकर कुछ बात हुई उसकी? लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें बात हुई थी कि जो लोकसभा जो हम बहुत उसमें जीते हैं उसके तो रक्त बधाई मिली है, इसका रक्षा कार्यक्रम था ये, तो पूरे साल भर चलना रहता हूँ उसके लिए उसके लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है? देखिए ये सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ऐसा विभाग है जिसके बिना आप चुनाव कल्पना नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कोई कितना छोटा बड़ा चुनाव हो उसमें पहले सोशल मीडिया और आईटी की बात होती है, उसके बाद बाकी विभाग तय होते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो हमें जब तक पिछले 10 साल देख रहे हैं कि पहले हमारी मीटिंग होती है कहीं भी होती है, उसके बाद फिर बाकी विभाग बुलाए जाते हैं। मीडिया के द्वारा आप लोगों की जो भाजपा की आईटी सेल की मीडिया उसके द्वारा बहुत फैलाया गया कि अब की बार 400 बार बहुत फैलाया गया कि हरिद्वार सांसद जो है 5 लाख जीतेंगे, ये सब कार्य नहीं हुए हैं, तो फिर कैसे मानते हैं कि आप 100% सफल रहे हैं? देखिए बात फैलाने की नहीं है, हम जब कोई काम करते हैं तो अपना उत्साह रहता है और हमें टारगेट सेट करते हैं कि हमें अपने कार्यकर्ता को टारगेट दिया कि हमें 400 तक जाना है, उससे पर रुकना नहीं है। और ये देखो हर कोई करता है, हम भी करते हैं इस काम के लिए, हमने सब कार्यकर्ताओं को अति उत्साह तो मैं नहीं कहूँगा, अति उत्साह तो मैं कहूँगा, थोड़ा मैं कहूँगा कि ये 400 टारगेट था हमारा, हम थोड़ा अचीव नहीं कर पाए तो अगली बार जरूर करेंगे ये पूरा सा भी आगे और मेहनत करने की। जी जी हमें जो भी कमियां जो कमियां रह गई वो दूर करेंगे और यहाँ जरूर पहुंचेंगे। हमारे साथ देशराज करणवाल जी जिन्होंने अपनी बात रखी है और हमने बात की है कि भाई आज क्यों इस प्रकार का जो है कार्यक्रम रखा गया, तो आईटी सेल के कुछ पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो सीधी सी बात हमने भी रखी है कि भाई कि आईटी सेल के जो पदाधिकारी हैं केवल चुनाव प्रचार या भारतीय जनता पार्टी की ही बात लोगों तक पहुंचाएंगे या जन समस्या को भी पहुंचाएंगे, क्योंकि जन समस्याएं बहुत हैं क्षेत्र में, तो उस चीज को लेकर भी देशराज करणवाल जी ने कहा है कि बात की जाएगी, इन लोगों को बताया जाएगा कि जन समस्याएं जरूर पहुंचाई जाए, प्रदेश स्तर तक पहुंचाई जाए, और चुनाव को लेकर
कहा है कि इस बार रामपुर चुनाव या जितने भी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ, अपने सहयोगी अनुप सैनी के साथ, मैं मनीष शर्मा, धन्यवाद।